हेलो फ्रेंड्स, आज हम सीखेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की पहचान है वाक्य के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं, लिया है, दिया है, ली है, दी है आदि शब्दों का आना। यदि ये शब्द वाक्य के अंत में आए तो समझिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। जैसे राधा गाना गा चुकी है, वे पानी पी चुके हैं, श्याम विद्यालय से आ चुका है, ये सब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का वर्ब पैटर्न है सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव, इसका हेल्पिंग वर्ब है, ये कर्ता के अनुसार लगाते हैं, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। चलिए इसको बनाते हैं। इसको बनाने से पहले ये जान लीजिए कि कौन से कर्ता के साथ हैज और कौन से कर्ता के साथ हैव का प्रयोग करेंगे। ही सी इट तथा एक वचन कर्ता के साथ हैज का प्रयोग करेंगे और आई वी यू दे तथा बहुवचन कर्ता के साथ हैव का प्रयोग करेंगे। चलिए इसको बनाना सीखते हैं। सबसे पहला जो वाक्य मैंने लिया है, राधा गाना गा चुकी है। फ्रेंड्स, चुकी है से हम ये जान जाएंगे कि ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, ये इसकी पहचान है। वर्ब पैटर्न है सब्जेक्ट प्लस हैज या है प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। सबसे पहले हम कर्ता लिखेंगे, सब्जेक्ट, इसमें सब्जेक्ट है राधा। राधा के साथ, राधा एक वचन करता है तो राधा के साथ हम हैज का प्रयोग करेंगे, राधा हैज। हैज के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म सिंग का थर्ड फॉर्म है संग, राधा है संग अ सॉन्ग। ये हो गया सकारात्मक वाक्य। अब हम इसको निगेटिव यानी नकारात्मक बनाएंगे, जो इस प्रकार से बनेगा, राधा ने गाना नहीं गाया है। पहले इसको लिखेंगे, राधा ने गाना नहीं गाया है, ये हो गया नकारात्मक वाक्य। इसका जो वर्ब पैटर्न है बहुत ही थोड़ा सा डिफरेंस है सकारात्मक से। चलिए इसको बनाते हैं। सबसे पहले कर्ता राधा, राधा के साथ हैज का यूज करेंगे, राधा हैज। हैज के बाद हम नकारात्मक वाक्य जब बनाएंगे, हैज के बाद नॉट लिखेंगे, राधा हैज नॉट। बाकी सेम रहेगा संग अ सॉन्ग। अब हम बनाएंगे इंटरोगेटिव यानी कि प्रश्नवाचक वाक्य। प्रश्नवाचक वाक्य जब इसका हम बनाएंगे तो वो होगा, क्या राधा ने गाना गाया है। ये हो गया प्रश्नवाचक वाक्य, इसमें प्रश्न पूछा जा रहा है, क्या राधा ने गाना गाया है। सबसे पहले हम क्या के लिए हेल्पिंग वर्ब को लिखेंगे, जो हमेशा से ही मैं बताती आ रही हूँ कि यदि पहले वाक्य के प्रश्नवाचक वाक्यों में सबसे पहले क्या है तो उसके लिए हम हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे। इसका हेल्पिंग वर्ब है हैज, तो सबसे पहले हम हैज लिखेंगे, उसके बाद कर्ता लिखेंगे, हैज राधा संग अ सॉन्ग। इसके बाद हम इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव वाक्य को बनाना सीखेंगे। राधा ने गाना क्यों नहीं गाया है।
इसमें प्रश्न भी पूछा जा रहा है और इसमें नॉट भी लगा हुआ है, तो इंटरोगेटिव प्लस निगेटिव हो गया। इसमें सबसे पहले हम क्यों की इंग्लिश लिखेंगे, क्यों के लिए वाई, वाई के बाद हम हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे। हेल्पिंग वर्ब इसमें राधा के लिए हैज लगा है तो हैज लिखेंगे। वाई हैज राधा नॉट सम अ सॉन्ग। दूसरा वाक्य है, मैंने अपने पिताजी को बुलाया है। आई के साथ हैव का यूज करते हैं, यहाँ पर मैंने है तो इसलिए आई रहेगा और आई के साथ हम हैव का यूज करेंगे। आई हैव कार की थर्ड फॉर्म कार्ड होगी। आई हैव कार्ड माई फादर। अब हम इसको नकारात्मक वाक्य में चेंज करेंगे, नेगेटिव बनाएंगे। मैंने अपने पिताजी को नहीं बुलाया है। नकारात्मक वाक्य में सबसे पहले हम लिखेंगे सब्जेक्ट। आई के साथ हैव का यूज करेंगे। आई हैव के बाद हम नॉट लगाएंगे। आई हैव नॉट कॉल्ड माय फादर, सेम उसको उतार देंगे। फिर अब हम इसको इंटरोगेटिव बनाएंगे। क्या मैंने अपने पिताजी को बुलाया है, इसका हिंदी में जब ट्रांसलेट करेंगे, हिंदी में प्रश्नवाचक वाक्य जब बनाएंगे, मैंने अपने पिताजी को नहीं बुलाया है, यदि इसको हम प्रश्नवाचक वाक्य में परिवर्तित करेंगे तो उसको लिखेंगे क्या मैंने अपने पिताजी को बुलाया है। सबसे पहले यहाँ क्या आया हुआ है, इसलिए हम सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे। इसका हेल्पिंग वर्ब हैव है तो यहाँ हम हैव लिखेंगे। हैव के बाद सब्जेक्ट हैव आई कॉल्ड माय फादर। अब हम इसको इंटरोगेटिव प्लस निगेटिव बनाएंगे। मैंने अपने पिताजी को क्यों नहीं बुलाया है। बीच में क्यों आया हुआ है, इसलिए क्यों की इंग्लिश हम पहले लिखेंगे। वाई
Why के बाद हम helping verb use करेंगे, helping verb इसका have है. Why have I not called my father? फ्रेंड्स, हमने इस प्रकार से प्रेजेंट परफेक्ट बनाना सीखा है. अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक करिएगा, शेयर करिए, कमेंट करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए. थैंक यू फॉर वॉचिंग.